लोकसभा ने गुरुवार को ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर बिल पास कर दिया है। ये बिल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री और वितरण को प्रतिबंधित करने के लिए है। लोकसभा में आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन द्वारा एक विस्तृत जवाब के बाद इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट विधेयक 2019 पारित कर दिया गया है। बिल में सरकार द्वारा पहले लाए गए अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया। आज विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए गए संशोधन को नकार दिया गया। इस अधिनियम में नियम के उल्लंघन पर दंड के तौर पर कारावास का प्रावधान है। नियम उल्लंघन पर 1 वर्ष की जेल की सजा के साथ साथ 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी शामिल है। इस पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार ने ई सिगरेट को खत्म करने के लिए प्रतिबंधित किया है। दरअसल इससे हृदय प्रणाली, किशोर दिमाग और कैंसर के कारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ई सिगरेट पर प्रतिबंध को युवाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण फैसला बताते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दुनिया की कई तम्बाकू कंपनियां भारत में ई सिगरेट उत्पाद करके युवाओं को टारगेट करना चाहती है और एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमने इस पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप संशोधन बिल भी पेश किया है। इस बिल को पेश करने का मकसद इसे बेहतर करना है। उन्होंने कहा कि SPG सुरक्षा कवर केवल प्रधानमंत्री और उनके साथ उनके आवास में आधिकारिक तौर पर जो परिजन रह रहे हैं उन्हें ही मिलेगी। इसी के साथ SPG सुरक्षा पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिजनों को भी दी जाएगी जो आधिकारिक तौर पर सरकार द्वारा दिए गए आवास में रह रहे हैं। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।